वेद पुराणों में भगवान शिव को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। ना केवल भारत में बल्कि देश विदेशों में भी महादेव के कई मठ मंदिर स्थापित हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व दिया गया है। ये ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न कोनों में स्थापित हैं। इनमें से एक है ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जहां कई बार आक्रमण हुए, लेकिन आज भी ये मंदिर अपने सौंदर्य और आस्था के लिए विश्व भर में प्रख्यात है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ क्यों कहा जाता है। दरअसल पवित्र पुस्तक शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ राजा दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। उन्होंने यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की थी। बता दें कि सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की। इसी के चलते इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर 5 से ज्यादा बार आक्रमण किए गए, लेकिन आस्था के सामने अधर्म की एक न चली। यही कारण है कि आज भी ये मंदिर अपने अनगिनत शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ा इतिहास और कितनी बार इस मंदिर पर आक्रमण हुए। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में भगवान सोमनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में इनकी भी गणना होती है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे कई वेद पुराणों में बताई गई है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव को चंद्रदेव ने अपना स्वामी अर्थात नाथ मानकर तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ यानी चंद्र के देवता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान सोमनाथ के दर्शन करने से और उनकी पूजा करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा को विस्तार से बताया गया है। भगवान सोमनाथ का ये मंदिर 150 फीट ऊंचा है और गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। इस मंदिर के शिखर पर स्थित कलश 10 टन वजनी है और यहाँ 27 फीट ऊंचा ध्वजा सदैव इस मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर की भव्यता को देखकर मोहम्मद गजनी के मन में लालसा आ गई थी और उसने सन 1025 में मंदिर पर हमला किया। उसने मंदिर की सारी संपत्ति को लूट लिया और इस स्थान को लगभग नष्ट कर दिया। इस मंदिर की रक्षा करते हुए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रक्षा के लिए सामने आए वो लोग इसी क्षेत्र के निवासी थे। इसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने करवाया था। जब गुजरात पर दिल्ली की सल्तनत का कब्जा हुआ, तब एक बार फिर 1297 में इस मंदिर पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने हमला किया था और यहाँ की अमूल्य संपत्ति को लूट कर ले गया था। मंदिर को 1395 और 1412 में भी तोड़ा गया था, लेकिन जीर्णोद्धार का सिलसिला चलता रहा और श्रद्धालुओं में इस मंदिर के प्रति भक्ति भाव में कभी कोई कमी नहीं आई। औरंगजेब के समय में भी 2 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और इसे लगभग नष्ट कर दिया गया, लेकिन तब भी हिंदू इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते और भगवान सोमनाथ की आराधना करते थे। इस बात से नाराज होकर उसने यहाँ एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम भी मचाया। वर्तमान काल में जो मंदिर हम आज देख रहे हैं, वो भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में बनवाया था। साथ ही पहली बार 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र के शिव भक्तों को और जनता को सौंप दिया था। 6 बार आक्रमणों का सहने के बाद भी ये मंदिर आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व में प्रख्यात है। अगर आप भी भारत के मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप किस मंदिर के बारे में जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकें।